नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जादूगर और काला जादू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर है। दोनों को लेकर सियासत तेज हो गई है और एक एक घोटाले का जिन बोतल से निकाला जा रहा है। पीएम मोदी स्पष्ट कह रहे हैं कि हर घोटाले की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में जादूगर की जादूगरी कितना असर डालती है, इससे ही राजस्थान की सियासी तस्वीर साफ हो सकेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता जादूगर थे और राजनीति में आने से पहले अशोक गहलोत ने भी इसके कुछ गुर सीख लिए थे। यही वजह है कि राजनीति करने के अपने अंदाज के चलते अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाने लगा। कठिन परिस्थितियों में भी चमत्कार करना उनकी सफलता का राज है। पार्टी में आंतरिक विरोध और आला कमान से मिल रहे विपरीत संकेत के बावजूद अशोक गहलोत पिछले 5 साल तक सरकार चलाने में सफल रहे। कांग्रेस ने उनके अलावा किसी और को चुनाव अभियान में चेहरा नहीं बनाया है। हालांकि उनकी यही जादूगरी अब पीएम मोदी के निशाने पर है। पीएम मोदी ने राज्य में जहां जहां सभा की वहां गहलोत सरकार के काले चिट्ठे खोल दिए। पेपर लीक कांड से लेकर चंबल रिवर फ्रंट घोटाले तक का उल्लेख कर पीएम मोदी ने यही संदेश दिया कि जादूगर का खेल खत्म हो गया, अब काला जादू चल नहीं पाएगा। भाजपा पीएम मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। धुआंधार चुनाव प्रचार की बदौलत पीएम मोदी ने कांग्रेस और गहलोत को हाशिए पर ला दिया है। पीएम मोदी ने लगभग हर सभा में जादूगर और काला जादू की चर्चा की। इसके माध्यम से वे संदेश देना नहीं भूले कि गहलोत सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया है, भाजपा सरकार बनने पर हर मामले की जांच कराई जाएगी। काला जादू से आशय यह है कि ऐसा टोकता जिसे करने के बाद कोई बच नहीं पाता है। पीएम मोदी कहते हैं कि राजस्थान की जनता की ताकत के सामने अब काला जादू चल नहीं पाएगा। इधर तमाम आरोपों के बावजूद अशोक गहलोत को अपनी राजनीतिक जादू पर भरोसा है। वह मानते हैं कि 5 साल के कामकाज और विभिन्न योजनाओं के वादों के बूते उनकी सरकार बरकरार रहेगी, इसलिए राजनीति के जादूगर हैं गहलोत। अशोक गहलोत के राजनीतिक जादू के 2 उदाहरण राजस्थान में बेहद चर्चित हैं। पहला, उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट के विरोध के बावजूद गहलोत ने पूरे 5 साल सरकार चला ली। दोनों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चलती रही। एक बार सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक बगावत के मूड में आ गए थे और दिल्ली कूच कर गए, लेकिन गहलोत ने अपनी सरकार बचा ली। दूसरा मामला सितंबर 2022 का है, जब गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था। तब उनके खेमे ने हाईकमान के खिलाफ बगावत कर दी थी। हाईकमान ने मल्लिका अर्जुन खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था ताकि विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जा सके। गहलोत खेमे ने ऐसी चाल चली कि विधायक दल की बैठक ही नहीं हो पाई। विधायक दल के सचेतक और मंत्री महेश जोशी ने विधायक दल की बैठक की गलत सूचना डाल दी थी और विधायकों को मंत्री शांति धारीवाल के यहाँ बुला लिया था। इस मामले में धारीवाल को तो जैसे तैसे टिकट मिल गया, लेकिन महेश जोशी का टिकट कट गया। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए लाइव 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।